जागो जय भीम वालो, जागो जय भीम वालो, एक होकर हमें लड़ना होगा। जो हक में है भीम जी के उसे हासिल करना ही होगा। जो मांगने से नहीं मिलता, जो मांगने से नहीं मिलता उसे छीन कर लेना होगा। और भीम जी के याद में तुम्हें दादर स्टेशन को चैत्य भूमि नाम देना ही होगा। क्यों कह रहा हूं मैं कि खून का एक एक कतरा तुम्हें संभल कर रखना होगा। खून का एक एक कतरा तुम्हें संभल कर रखना होगा। अरे होश में रहकर जोश से काम लेना होगा। अरे अगले चुनाव में विधान भवन पर नीला झंडा लगाना होगा। और प्राण जाए अथवा रहे मगर दादर स्टेशन को चैत्य भूमि नाम देना ही होगा। और इसलिए कहना चाहूंगा, क्या मांगने से जो मिले ना हमको छीन के लेंगे कहते हैं तुमको। मांगने से जो मिले ना हमको छीन के लेंगे कहते हैं तुमको। मांगने से जो मिले ना हमको छीन के लेंगे कहते हैं तुमको। मांगने से जो मिले ना हमको छीन के लेंगे कहते हैं तुमको। मांगने से जो मिले ना हमको छीन के लेंगे कहते हैं तुमको। मांगने से जो मिले ना हमको छीन के लेंगे कहते हैं तुमको। हक वो भी स्टेशन को उनके याद में नाम चैत्य भूमि देना। स्टेशन को उनके याद में नाम चैत्य भूमि देना। स्टेशन को उनके याद में नाम चैत्य भूमि चाहूंगा। क्या कहना चाहूंगा, क्या कहना चाहूंगा, वतन पे भीम जी के कितने एहसान है। संविधान ये उनकी पहचान है। वतन पे भीम जी के कितने एहसान है। संविधान उनकी वो पहचान है। क्या कहना चाहूंगा मैं कि वाल्मीकि ने रामायण लिखा है तो व्यास ने महाभारत लिखा है। वाल्मीकि ने अगर रामायण लिखा है तो व्यास ने महाभारत लिखा है। मोहम्मद ने कुरान लिखा तो ईसा मसीहा ने बाइबल का निर्माण किया है। अरे मगर मेरे भीम जी ने तो सभी धर्म को एक राह पर चलने वाला संविधान लिखा है। और इसीलिए स्टेशन को उनके याद में नाम चैत्य भूमि देना। दादर स्टेशन को उनके याद में नाम चैत्य भूमि देना। दादर स्टेशन को उनके याद में नाम चैत्य भूमि जा रहा हूं ये सिर्फ जय भीम वालों के ही लिए नहीं सारे भारतवासियों के लिए है। क्या कहने जा रहा हूं, जिस वक्त इस भारत देश को आजादी मिलने वाली थी उस वक्त इस देश की निशानी कैसी होनी चाहिए। ये अपने देश का जो झंडा है
उसका कलर कैसा होना चाहिए उसके पहचान के लिए वहां के गोरे लोगों ने यहां के नेताओं को लंदन में बुलाया था, मगर सबसे पहले बाबा साहब को इसका न्योता दिया गया था। सब यहां के इस देश के जो नेता थे, जो लीडर थे, वो लंदन पहुंचे। पहुंचने के बाद वहां पर तिरंगे को चुन लिया गया, तीन रंगों में उन्होंने चुन लिया गया। मगर मेरे भिंजी के बदौलत झंडे के बीचों बीच सम्राट अशोक जी का चक्र डाला गया, और इसलिए कहना चाहिए अशोक चक्र की याद दिलाई, तिरंगे की शान बढ़ाई। अशोक चक्र की याद दिलाई, तिरंगे की शान बढ़ाई, तिरंगे की शान बढ़ाई। और इसलिए कहना चाहूंगा कि 14 अप्रैल के दिन ये भारत देश बहुत समय सारा लगता है। 14 अप्रैल के दिन ये भारत देश बहुत समय सारा लगता है। अरे नीले झंडे की बात तो कुछ और ही है, मगर पंचशील भी सबसे प्यारा लगता है। लेकिन सुनो ऐ दुनिया वालों, सुनो ऐ दुनिया वालों, अरे अशोक चक्र से हमारा तिरंगा कितना प्यारा लगता है। दादर स्टेशन को उनके याद रे नाम चैत्य भूमि देना खातिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भिंगी का नाम लेते हैं, और इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, क्या कहूंगा कि कुछ ऐसे भी लोग हैं सिर्फ मतलब के खातिर भिंगी को सलाम करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने मतलब के खातिर भिंगी को सलाम करते हैं, और जब निकल जाए इनका मतलब तो अपने बाप को भी पहचानने से इनकार करते हैं। और इसीलिए स्टेशन को उनके याद रे नाम चैत्य भूमि शायरा छाया धंधे आखिर में क्या कहना चाहती है, जरा प्यार से सुनिए। छाया की किस्मत भी खुल गई, भीम की बदौलत जन्नत मिल गई। छाया की किस्मत भी खुल गई, भीम के बदौलत जन्नत मिल गई। और इसलिए कहना चाहूंगा कि सुबेदार राम जी के घर वो भीम पैदा ना होता। सुबेदार राम जी के घर
वो भीम पैदा ना होता तो शायद प्रेम धंधे अभी तक गुलामी में पड़ा होता। सुबेदार राम जी के घर वो भीम पैदा ना होता तो शायद ये प्रेम धंधे अभी तक गुलामी में पड़ा होता। अरे अगर भीम जी ने मनुस्मृति को जलाकर हिंदू कोड बिल ना लिखा होता तो आज भी कितने नारियों का दामन खतरे में पड़ा होता। और इसीलिए संग भीम सेना है, उसके संग भीम सेना है। दादर स्टेशन को उनके याद दे नाम चैत्य भूमि देना हकवो भी मजी का लेना है, हकवो भी मजी का लेना है। दादर स्टेशन को उनके याद में नाम चैत्य भूमि देना है। दादर स्टेशन को